देखिए आप मेरे सारे वीडियोस पिक्चर मैंने वीडियोस पे डाल दिए हैं, आपको मेरे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो आज मैं प्रॉपर ड्रेस वेयर करके सारी वेयर करके आपके पास बात करने आई हूँ। क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आपको मैं भी एक छोटी यूट्यूबर, मगर मैं कोई ज़्यादा मेरे मिलियन हज़ार भी फॉलोवर नहीं है। तो मैं आपको छोटा सा सजेशन बोल सकती है, छोटा सा कुछ एडवाइस बोल सकती है, कुछ भी उसको समझ सकते हैं। और प्लीज़ जिनको मेरे वीडियो नहीं देखना है ना, वो स्किप करके जा सकता है, मुझे फालतू के कमेंट इसमें चाहिए नहीं। मैं जिनको ये अच्छा लगे वो फॉलो करें, तो चले जा सकते हैं बिना गंदगी बरसाए। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं। जब मैं छोटी होती हूँ, जब हम छोटे होते हैं, मैं खुद से बात करूँ, खुद की बात करूँ, जब मैं खुद वीडियो बनाती हूँ, तो जब नया नया वीडियो बनाते हैं, सोचते कि आप इसकी प्रोसेस अपना लेंगे तो शायद हो जाएंगे, इसके लिए होता फिर अरे दूसरा दिख गया वीडियो, तो दूसरे का देख के फॉलो करना, अरे तीसरे का, ऐसे कर करके इंसान एक आध साल तो इसी में बर्बाद कर देता है। इसकी ट्रिक्स, उसकी ट्रिक्स, इसकी उसकी उसकी उसकी, ये सब कुछ भी मत करो। ये ट्रिक्स सिर्फ भटकाने के लिए होती है, क्योंकि जो ट्रिक्स बता रहे हैं ना, वो लोग भी ये फॉलो करके नहीं, खुद की मेहनत से आगे बढ़े। इंसान को खुद की मेहनत से आगे बढ़ के ही तरक्की मिलती है और सही रास्ते पर चल के। तो इंसान को सही रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। सही रास्ते पर बोल सकते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं कुछ ऐसी कपड़े लूँगी जो मेरे बॉडी को शो करेंगे, उससे क्या मिलेगा, मुझे से पैसा मिलेगा, इज्जत भी तो चाहिए। इसलिए अपने सही वे पे, सही रास्ते पे जाना सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है, कि अपने वे में चलना, अपने सही रास्ते पे चलना, ये सबसे बड़ी बात है। और रही बात ये कर वीडियो बनाने की, अब जैसे हम तो मैं मेरी बात नहीं लेती हूँ, मैं जब तो आपको अपने सही रास्ते पे चलना, जैसे मैं भी खुद लेकर मैं जो वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे भी मतलब नया नया वीडियो बनाते हैं, कोई भी वीडियो बनाता है सोचते हैं अरे एक आ गया मिलियन फॉलोवर करे, जल्दी जल्दी व्यूज़ बढ़ा दें, ये कोई जादू तो है नहीं। और जो लोग भी वीडियोज़ बनाते हैं ना, वो लोग भी बहुत मेहनत करते तब जाके आगे बढ़ते हैं। जो ट्रिक्स बताते हैं ना, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ घुमा फिरा के बात करते हैं, घुमा फिरा के सब कुछ बताते हैं। कुछ लोग जो है कुछ कुछ लोग घर करते हैं, बट मैं किस हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ घुमा के बात करते हैं, इसका देखोगे उसका भी वही होगा, उसका भी वही होगा, बट बताने के तरीके अलग होंगे, बाकी सब सेम होंगे। इसलिए कभी भी सही वे में चले और किसी के ट्रिक्स में ना आए, अपने एक इस पर चलिए, एक ही रास्ते पर चलिए। 10 जगह रास्ता भटकेंगे ना, आपको कहीं भी आपकी मंजिल नहीं मिलेगी, तो एक ही रास्ते पे चलिए। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीडियो बनाने के लिए, आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको एक दिन में, एक साल में, दो साल में शायद तरक्की ना मिले, शायद तीसरे साल में ना मिले, चाहे शायद तीसरे साल में मिले। प्लीज़ खुद पर भरोसा रखें और खुद के सही रास्ते पर चलें, तो शायद आपको तरक्की मिले। और एक ही जगह पे ध्यान रखें, ना कि इसका देखा अरे इस किस में ये ट्रिक्स अपनाऊंगा ये हो जाएगा, बस आप रेगुलर वीडियो बनाइए। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए मीन्स आपका जो है वो दिखाइए। ज़्यादा सोच रहे आप महंगी महंगी जगह जाके दिखा रहे हैं, तो आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, जो भी आपके पास है छोटा मोटा उसमें आपके वीडियो बनाइए और उससे आप आगे बढ़िए। और रही बात ट्रिक्स की, ट्रिक्स कुछ नहीं है, आप नॉर्मल वीडियो बनाएं, और जब से अगर आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है तो आप शॉर्ट्स वीडियो बनाएं, शॉर्ट्स वीडियो से आपके सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ेंगे। और शॉर्ट वीडियो भी अच्छे डालें, तो अच्छे मतलब डांस के डाल दिए, इसके डाल दिए, वो सब डाल सकते हैं। एक ही आपका कंटेंट आपको रखना है, और जिस इसमें जैसे कुकिंग बना रहे तो कुकिंग का ही डालना है, डांस का डाल रहे तो डांस का ही डालना है। ऐसे अगर आप व्लॉगिंग का एक प्रॉपर अपना चैनल का नाम, तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर आपको जब वीडियो बनाने हैं तो आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बनाएं, तो आप क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर लीजिए, वीडियो को अनलिस्ट करके उसके बाद उसको अपलोड करके उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो में जाके आपको सिर्फ वीडियो की हेडिंग अच्छी डालनी है, हैशटैग्स अच्छे से डालने, और डिस्क्रिप्शन में जो अपने
हेडिंग टाइटल वगैरह जो भी डाला है उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, और जो हैशटैग के जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स है, यूट्यूब है, YT स्टूडियो है, ऐसे ऐसे आपको हैशटैग डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े ही डालना है। और आपको शेड्यूल ही करिएगा अपने वीडियो को, वीडियो शेड्यूल करके ही डालिएगा तो आपको व्यूज़ भी आएंगे और आपको दिखेगा आपकी प्रोग्रेस हो रही है। धीरे धीरे होगी, ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन पक्का होगी, एक ना एक दिन होगी, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते पे चल रही हूँ। जैसे मैं बड़ी हो जाती, मेरे बहुत सारे फॉलोवर हो, तो आप बोलते हैं ये तो भाषण दे रही है, इसके तो बहुत हो गए, तो अभी ये बोलने तो आएगी। जो आप रास्ते पे, उसी रास्ते पे मैं हूँ, दोनों एक साथ चलेंगे तो समझ में आएगा। आपको पहली बार ये वीडियो देखने मिलेगा कि कोई एक छोटा यूट्यूबर, ज्ञान नहीं बोलेंगे, एक बता रहा है चीज़ें, तो उस चीज़ को बन के चलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपकी ये ट्रिक्स काम आएगी तो मुझे पक्का बताइएगा। एक ही रास्ते पे चलिएगा, 100 रास्ते पे मत घूमिएगा। जैसे मनोज डे हो गया, वो भी बहुत मेहनत किया, उन्होंने भी ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं अपनाई। अभी वो बड़े हो गए तो ट्रिक्स बता रहे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, जो है वही होगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और रही बात, रेगुलर वीडियो बनाइए, नेचुरल कंटेंट होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा कंटेंट होना चाहिए, कुछ गलत शब्द का भी उपयोग ना करें, कुछ गलत ना दिखाए, कुछ बॉडी शो ना करें, क्योंकि जैसा आप वीडियो बनाएंगे वैसे आपकी छवि बन जाएगी। तो उस तरह से आप वीडियो बनाइए, और जो नेगेटिव कमेंट आएंगे उसको तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप साड़ी पहन के भी वीडियो बनाते हैं तो भी आपको गलत कमेंट आते हैं, आप बिकनी पहन के बनाएंगे तो भी गलत कमेंट आएंगे, लेकिन आपको तो पता है ना आप सही रास्ते पर, तो इसलिए आपके लिए आपको सही करना है। तो ये मेरा आपको सजेशन था, आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे मेरे वीडियो को प्यार देते रहिएगा, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो ज़्यादा ज्ञान की बातें ना झाड़ के सीधी साध बात किए, एक ही व्यू पे, एक ही रास्ते पे चले, 100 रास्ते पे ना जाए, 100 ट्रिक्स ना अपनाएं, एक ही ट्रिक्स को अपनाएं, सिर्फ हैशटैग सही डालें, कंटिन्यू वीडियो बनाएं और शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा बनाएं, तो ऐसे ही आपका चैनल है वो प्रोग्रेस करेगा, पक्का करेगा, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते पे चल रही हूँ। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, साथ में चलेंगे, साथ में काम होगा। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे की वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ, और प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखना ना भूलो। ठीक है, बाय बाय।